बेटा इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पेज नंबर 129 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट करवाया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक ईच स्मॉल स्क्वायर टू बी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर। यानी कि आपको प्रत्येक ये जो दे रखा है ना फिगर चित्र, उसका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। और ये जो ये बॉक्स है ना वो कितना बता रहा है, क्या है इसकी लेंथ, क्या ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, ठीक। ये क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बात हो गई रेक्टेंगल की। अब आते हैं हम लोग देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर वो होता है, देखिए स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी कि इसमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिसको फर्स्ट पार्ट दे रखा है, देखिए इस तरीके से जी आपका ये क्या रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेथ। ये आपका क्या क्या रहेगा, लेंथ। ये है लेंथ और ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, देखिए इसमें कितने कॉलम्स है, 1 2 और इधर कितने, 1 2 3। यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक। और लेंथ क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया, ठीक। तो ये क्या है बेटा, ये रेक्टेंगल है क्योंकि इधर ये 3 है और इधर ये क्या है, 2। तो देखिए इसकी ये और ये साइड इक्वल है और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो ये क्या क्या लाया, रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये क्या, ये फिगर जो बना वो क्या है, रेक्टेंगल में है। अब देखिए बी पार्ट क्या है, इधर भी देखिए 3 कॉलम्स है, 1 2 3 और इधर भी 3 है, 1 2 3। यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो ये फिगर से आपको क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइड इंटू साइड। क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो देखिए हमें साइड कितने की है, 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो 3 से क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर देखेंगे और उसमें मेजर करेंगे, देखेंगे लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। अगर चारों इक्वल आ रही है, चारों साइड्स इक्वल है तो आपका स्क्वायर कहलाएगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तो आपको वैसे ही फिर फॉर्मूला भी लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी पार्ट मैंने करवा दिया है, बाकी के इसके आगे के जो पार्ट है वो आप लोग खुद से करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एकदम मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है क्लास। इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ आर रेक्टेंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ आर रेक्टेंगल्स। हमें क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया जो है फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो दोनों ही चीज आपके क्वेश्चन में देखिए गिवन है। लेंथ कितना दे रखा है, एल फॉर लेंथ 7 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर एंड बी फॉर ब्रेथ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका ए पार्ट मैंने कर दिया, बाकी का बी एंड सी पार्ट आप लोग खुद से करेगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसमें भी एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसमें देखिए साइड कितनी दे रखी है, साइड इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें साइड दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर का साइड इंटू साइड। साइड ही एक ही साइड क्यों दे रखी है, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी आपका एक्सप्लेन किया ना कि स्क्वायर में 4 साइड होती है और चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, इसलिए क्या सिर्फ एक साइड दे रखा। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, एरिया एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि 4.1 सेंटीमीटर इंटू 4.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइड में हम रफ वर्क करेंगे, 4.1 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 8, 6, 1। देखिए पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 16.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद हम हमेशा नंबर्स को अलग अलग डिजिट के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, एक साथ नहीं रीड करते हैं। तो यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये 4 जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इनके दो दो या एक एक पार्ट करवा दिए हैं, बेटा आगे के पार्ट आपको खुद से करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।